हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री की, और बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हम पढ़ रहे हैं हीमोग्लोबिनोपैथी यानी कि डिसऑर्डर्स ऑफ हीमोग्लोबिन। चेंजेज में अगर हीमोग्लोबिन में आते तो उसकी वजह से कौन कौन से चेंजेज होते हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पढ़ चुके हैं सिकल सेल एनीमिया जो है उसके बारे में। अब सिकल सेल एनीमिया के बाद में अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो दूसरी जो स्ट्रक्चर में या एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन के कारण जो डिजीज होती है उसका नाम है हीमोग्लोबिन सी डिजीज, इसको हम पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। कूलेज हीमोग्लोबिनीमिया HBCs इज करेक्टराइज बाई, इसका दूसरा नाम भी है हीमोग्लोबिन सी डिजीज का दूसरा नाम क्या है, कूलेज हीमोग्लोबिनीमिया HBC, ठीक है, हीमोग्लोबिन एनीमिया और ये कूले का। तो कूले ने ये डिस्कवर किया था हीमोग्लोबिन का एनीमिया, इस वजह से इसका नाम कूलेज हीमोग्लोबिनीमिया रखा गया है। HBC इसको कहा जाता है। H कैपिटल है, B स्मॉल है, C कैपिटल है। इज करेक्टराइज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामेट बाय लाइसिन इन द सिक्स पोजीशन ऑफ बीटा चेन। इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा किसका, ग्लूटामेट का लाइसिन के द्वारा सिक्स पोजीशन पर बीटा चेन में होगा। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसिन HBC moves more slowly on electrophoresis compared to HBA and HBS. तो हमने जब बात की थी डायग्नोसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया की, तो वहां हमने ये बात की थी इलेक्ट्रोफोरेसिस की। इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमने ये कहा था कि ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है, और जब उसकी तरफ मूव करते तो अब उसकी तरफ कौन कितना फास्ट मूव करता है इसी से हम जानकारी लेते हैं। जो HBA होता है यानी जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है एडल्ट्स का, वो फास्टली मूव करता है। फिर बात करते हैं तो सिकल सेल एनीमिया की, वो स्लो मूव करता है, और इससे भी स्लो मूव कौन सा करता है, जिस पेशेंट का हीमोग्लोबिन होता है हीमोग्लोबिन सी या कूलेज हीमोग्लोबिनेमिया से इन्फेक्टेड, या जिसमें चेंजेज हैं, हीमोग्लोबिन सी डिजीज वाला है हीमोग्लोबिन, वो HBS से भी स्लो चलता है। HBC डिजीज अकर ओनली इन ब्लैक, तो ये HBC जो डिजीज है ये भी काले आदमियों में भी होती है। जैसे हमने सिकल सेल एनीमिया में कहा था कि उसमें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इन्फेक्टेड वाज ब्लैक पॉपुलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका, तो भाई साहब इसमें भी ये भी जो है ये काले आदमियों में होता है। बोथ होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस इंडिविजुअल ऑफ HBC डिजीज आर नोन, दोनों तरीका के होते हैं इसमें भी। दिस डिजीज इज करेक्टेड बाई माइल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया, इसमें थोड़ा सा क्या है हीमोलाइसिस होता है, यानी जिसे हम हीमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। नो स्पेसिफिक थेरेपी इज रिकमेंडेड, इसके लिए कोई स्पेसिफिक थेरेपी अभी तक बनी नहीं है। तो ये थी हीमोग्लोबिन सी डिजीज। अब हम बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन डी के बारे में। ये किसके द्वारा होती है, ये होती है सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामाइन इन प्लेस ऑफ ग्लूटामेट इन 121th पोजिशन ऑफ बीटा चेन। बीटा चेन की 121वीं जो पोजिशन है वहां पर जो ग्लूटामाइन है, ग्लूटामेट है, उसकी जगह पर ग्लूटामाइन आ जाता है, ग्लूटामेट की जगह पर ग्लूटामाइन आ जाता है, तब ये हीमोग्लोबिन डी होती है। तो सेवरल वेरिएंट ऑफ HBD आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस इंडिकेटेड बाय सफिक्स। फॉर इंस्टेंट, इसके और भी वेरिएंट है, कौन कौन से हैं, HBD पंजाब, HBD लॉस एंजलिस, HBD ऑन इलेक्ट्रोफोरेसिस मूव्स अलोंग विद HBS। तो HBD जो होता है ये HBS के साथ में ही मूव करता है। अब बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन ई के बारे में।
दिस इज द मोस्ट कॉमन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन आफ्टर एचबीएस. इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 10% ऑफ पॉपुलेशन इन साउथ ईस्ट एशिया लाइक बांग्लादेश, थाईलैंड, म्यांमार सफर फ्रॉम एचबीई डिजीज. 10% भाई साहब. इन इंडिया इट इज प्रीवेलेंट इन वेस्ट बंगाल. ये ज्यादातर वेस्ट बंगाल में होती है, यानी कि हम अगर कहें तो इंडिया से पूर्व के जो रीजन होते हैं उनमें ये एचबीई पाई जाती है, जिनमें बांग्लादेश है, थाईलैंड है, म्यांमार है, वेस्ट बंगाल है. एचबीई इज करेक्टराइज बाई रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लूटामेट बाई लाइसिन एस 26 पोजिशन ऑफ बीटा चेन. 26वीं जो पोजिशन होती है वहां पर ग्लूटामेट का रिप्लेसमेंट लाइसिन के द्वारा हो जाता है, तब ये डिजीज होती है. द इंडिविजुअल्स ऑफ एचबीई आइदर होमोजाइगस और हेटरोजाइगस हैव नो क्लिनिकल मतलब कोई इनके कोई बीमारी का कोई ज्यादा बड़ा लक्षण नहीं दिखता है. तो ये दोस्तों हमने आपसे बात की जो हीमोग्लोबिन सी डिजीज, हीमोग्लोबिन डी डिजीज और हीमोग्लोबिन ई डिजीज के बारे में. अब इसके बाद में जो अगली हीमोग्लोबिनोपैथी है या फिर हम कह सकते हैं डिसऑर्डर है वो है थैलेसीमिया. इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे. तो अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, बने रहिए हमारे साथ. धन्यवाद.